हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है एसएमडी के एक नए और फ्रेश वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को तीन टेक्निक्स बताऊंगा जिस टेक्निक्स की मदद से आप सिटअप हेडशॉट बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। तीन टेक्निक्स मैं बताऊंगा सिटअप हेडशॉट का। तो हालांकि इस टेक्निक्स जो बोल रहा हूँ मैं, तीन टेक्निक्स जो बोल रहा हूँ उसमें से दो टेक्निक्स मुझे पहले से बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन एक है नया वाला थोड़ा मुश्किल सा है, करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन गाइस, हाँ, अगर आप इस टेक्निक्स को सीख गए ना, तीनों को सीख गए गाइस, आप मोबाइल का सेटअप का मास्टर बन जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। तो इंट्रो के बाद हमारा आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने यार परेशान कर दिया है, गिव अवेज दे दो यार, आलोक दे दो, डीजे आलोक दे दो, डायमंड्स दे दो, तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैं लेके आ चुका हूँ ये सब जीतने के लिए। इसका नाम है गाइस रूटर ऐप। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना है, नंबर वगैरह से आपका जो पेटीएम नंबर है उससे आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से अर्न कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर बहुत सारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, यहाँ पर आप लोग डीजे आलोक या फिर फ्री फायर डायमंड्स वगैरह जीत सकते हो बहुत ही आसानी से, और ये 100% प्रूवन है। और गाइस यही नहीं है, आपका वीडियोज अपलोड करके या फिर इमेजेस अपलोड करके यहाँ पर रूटर कॉइन्स आप अर्न कर सकते हो। रूटर कॉइन्स को आसानी से आप रिडीम भी कर सकते हो, यहाँ पर रिफर करके भी आप बहुत ही आसानी से अर्न कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो पर रिफर आप लोगों को 200 कॉइन मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपका डायमंड्स लेने के लिए। यहाँ पर आप लोग बहुत ही आसानी से इसको रिडीम कर सकते हो, यूसी कैश ले सकते हो पबजी में या फिर डायमंड्स ले सकते हो फ्री फायर में। तो गाइस, क्रिएट योर प्रोफाइल एंड डाउनलोड नाउ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा रूटर ऐप के, और ये नॉन चाइनीज ऐप है, जाओ जाकर डाउनलोड करो। सो इस वीडियो में तीन टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा सिटअप हेडशॉट का, और कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। तो फर्स्ट नंबर टेक्निक्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है हमारा सिंपल सिटअप हेडशॉट टेक्निक, दिखने में कुछ ऐसा लगता है, देख लो। लगाना बहुत तगड़ा वाला। और सेकंड टेक्निक देखो, एडवांस सिटअप हेडशॉट टेक्निक कैसा लगता है, एकदम बहुत ही कमाल का है गाइस, यहाँ पर देख लो। और यही नहीं, थर्ड टेक्निक भी बाकी है गाइस, एडवांस लेवल थर्ड टेक्निक, यहाँ पर थर्ड टेक्निक भी देख लो आप कैसा लगता है। सो इन तीनों टेक्निक्स का राज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और कुछ ऐसा मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आप लोग करते हो, आपका सिटअप हेडशॉट नहीं लगता, वो वीडियो के लास्ट में होगा। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा सिंपल सिटअप हेडशॉट टेक्निक्स के बारे में। तो इस सिंपल हेडशॉट टेक्निक में सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बैठे रहना पड़ता है, बैठे पहले से ही रहना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपका एम सेट करना पड़ता है, एम कहाँ पर सेट करें ये मैं वीडियो के लास्ट में मिस्टेक्स के साथ बताऊंगा, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहना, एम कहाँ कहाँ पर सेट करने से आपका लगेगा हेडशॉट तो वो भी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर बैठे रहेंगे, उसके बाद स्कोप बटन में क्लिक करके बैठने वाले बटन में दोबारा क्लिक करेंगे, और उसके बाद जस्ट फायर कर देंगे, ऐसे हमारा जो होता है। और नोट की बात यहां पर रखना, यूज द फायर बटन एज ऑपोजिट ऑफ योर सीट बटन, यहां पर आपका सीट बटन का ऑपोजिट फायर बटन यूज करना है। मेरा सीट बटन है लेफ्ट साइड में, यानी मैं राइट साइड का फायर बटन यहां पर यूज कर रहा हूं। आपका अगर सीट बटन राइट साइड में है तो वहां पर आप लेफ्ट साइड का फायर बटन ही यूज करना, ठीक है। मैं यहां पर नंबर के साथ फिर से यहां पर बता देता हूं, यहां पर पहले से आपको सीट रहना है, ठीक है। सीट रहने के बाद यहां पर स्कोप बटन में क्लिक करके दोबारा बैठने वाले बटन में क्लिक करना पड़ता है, उसके बाद फायर करना पड़ता है। तो ये था हमारा सिंपल हेडशॉट जो कि बहुत ही कारीगर माना जाता है, ठीक है। अब बता देता हूं एडवांस सेकंड एडवांस सिटअप हेडशॉट ट्यूटोरियल, तो ये कैसे काम करता है, ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर देखो आपको क्या करना है, पहले तो खड़ा रहना है, ग्रेबल को बिल्कुल भी यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर स्कोप बटन और बैठने वाला बटन दोनों एक साथ दबाना है, उसके बाद दोबारा बैठने वाला बटन दबा के फायर कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप समझ में नहीं आया तो दोबारा मैं समझा देता हूँ, ठीक से समझा देता हूँ, जिसके बाद आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको स्कोप वाला और बैठने वाला क्या करना है, दोनों को एक साथ दबाना है सबसे पहले, दोनों
दोनों को एक साथ दबाना है, उसके बाद बैठने वाले बटन में दोबारा दबाना है और यहाँ पर फायर कर देना है। तो ये भी बहुत अच्छा एडवांस लेवल है, ये अगर आप सीख गए आप भी बहुत अच्छा हेडशॉट्स मार सकते हो एकदम खड़े खड़े, आपको पहले से बैठे रहना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान रखना, आपका बैठने वाला बटन और स्कोप बटन अलग 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 साइड में होना चाहिए, एक साइड में होगा तो ये ट्रिक काम नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब थर्ड एडवांस टेक्निक के बारे में बात करते हैं, वो ट्यूटोरियल क्या है थर्ड एडवांस सीटा हेडशॉट का। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले स्कोप वाले बटन में क्लिक करके दो बार आपने बैठने वाले बटन में क्लिक करना है और फायर कर देना है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो बार बार मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्कोप वाले बटन में टैप किया, उसके बाद दो बार आपने बैठने वाले बटन में क्लिक करना है, उसके बाद जस्ट फायर कर देना है। ये बहुत ही मुश्किल एक ट्रिक है, ये नहीं कि आप यहाँ पर देख रहे हो और जाकर ही लग जाए, ये थर्ड नंबर वाला बहुत ही मुश्किल है। और अगर एक बार ये ट्रिक आ गया तो बहुत ही कमाल का आप हेडशॉट मारना चालू कर दोगे मोबाइल पे। अब बता देते हैं इन सारे टेक्निक्स का कुछ मिस्टेक्स बता देते हैं और आपका एम कहाँ पर सच में होना चाहिए जिसके बाद आपका जो हेडशॉट लगना चालू हो जाए। मिस्टेक नंबर वन, द एम शुड नॉट बी ऑन द बॉडी, यानी आपका जो एम है वो बॉडी पर नहीं होना चाहिए, इस तरह से रेड भी नहीं होना चाहिए और बॉडी पर भी नहीं होना चाहिए आपका एम। हमेशा आपका एम जो है सर के ऊपर या फिर पैरों के नीचे होना चाहिए, या फिर यहाँ पर आपका जो एम है वाइट होना चाहिए जिसके बाद आपका हेडशॉट लगना बिल्कुल चालू हो जाए। और सेकेंड नंबर मिस्टेक है, मिस्टेक नंबर टू है गाइस, यहाँ पर डोंट टच द जॉयस्टिक और मूवमेंट बटन ड्यूरिंग द स्टेप्स ऑफ सिटअप हेडशॉट। यहाँ पर आपका जो जॉयस्टिक है या फिर यहाँ पर मूवमेंट का जो बटन है इसको बिल्कुल भी यहाँ पर टच कर नहीं करना है आपका हेडशॉट या फिर स्टेप्स करने के दौरान, ठीक है ना। यहाँ पर मिस्टेक्स नंबर थ्री है, डू नॉट टैप द बटन अंडर प्रेशर। यहाँ पर आपको प्रेशर में कोई भी बटन नहीं दबाना है, एकदम रिलैक्स होकर बटन को स्टेप बाय स्टेप दबाना है, जिसके बाद यहाँ पर आपको फास्ट भी करना होगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एकदम बटन हरवरी में नहीं दबाना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप आराम से दबाना है और फास्ट करना है। इसके आराम से और फास्ट कैसे करें, ये बहुत ही मुश्किल एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्रैक्टिस में ही आपका ये सुधार होगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये जो मैंने तीन टेक्निक्स बताया सिटअप हेडशॉट का, वो टेक्निक्स आप भी सीख पाओगे, आप भी किसी भी खड़े हुए इंसान को यहाँ पर मार पाओगे। सो गाइस, एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं कि आप अभी वीडियो देख रहे हो और अभी जाकर आपका सिटअप हेडशॉट जो है वो लगना चालू हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यहाँ पर मुझे भी सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मैं ये नहीं कि गेम में आया, वीडियो देखा, गेम में आया और लगाना चालू कर दिया, ये नहीं होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, आपको भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये सिटअप हेडशॉट जो मैंने तीन टेक्निक्स बताया वो लगा के लिए। और खास करके नंबर टू एंड नंबर थ्री टेक्निक जो मैंने बताया, ये एडवांस लेवल है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, ये टेक्निक्स आने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल एक लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके बाजू वाला जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे होम स्टे सेफ, और रूटर ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।